हमारे साथ में भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार अभिनेत्री अक्षरा सिंह मौजूद हैं। रामनगरी अयोध्या आई हुई हैं और जब से आई हुई हैं मैंने नीचे से ऊपर तक देखता आ रहा हूँ, जो मिल रहा है उसको जय श्री राम बोल रही हैं। राम के रंग में रंग गई हैं अक्षरा सिंह पूरी तरह से। जी बिल्कुल, और जिन पर कृपा हो जाए राम जी की वो राम जय श्री राम जय श्री राम बोलेंगे ही बोलेंगे। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, ये आपने सुना है क्या? जी बिल्कुल, और राम जी का ऐसा कोई गीत नहीं है जो बचपन से हमने सुना नहीं है। अब तो मैं खुद भी गाने भी लगी हूँ। हाँ ये मैंने सुना है, अभी हमको कई लोग कह रहे थे कि आप उनके पास ये सोच के मत इंटरव्यू कीजिएगा कि बड़ी ही कामयाब अभिनेत्री, बड़ी अच्छी गायिका भी हैं वो, कई लोगों ने बात बताई लेकिन इस बात का हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ आप अगर भगवान राम की स्तुति में गा के सुनाएंगी तो मुझे प्रूफ मिल जाएगा। तो अभी मैंने देखा कि कभी कभी न्यूज़ पे नज़र पड़ गई या कभी पोस्ट वगैरह देख लेती हूँ, तो उसमें देखा मैंने कि इंसान को तो इंसान छोड़ नहीं रहा है लेकिन अब भगवानों को भी टारगेट किया जा रहा है। यू नो पॉलिटिकली ईश्वर को क्यों लाने का बीच में समझ में नहीं आता है। मतलब सोशल मीडिया आ गया तो मतलब हर कोई टीआरपी के लिए कुछ भी बोले, ये अच्छा नहीं लगता है। सो उस पर ही ये गीत है कि न बाटो राम को मेरे, न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री राम सबके हैं। वाह क्या बात है, इसकी अगली लाइन भी कुछ होगी। हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं। न बाटो राम को मेरे, प्रभु श्री श्री राम सबके हैं। अयोध्या आपके आने का क्या प्रयोजन है अक्षरा, और प्राण प्रतिष्ठा का समय एकदम नजदीक आ चुका है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं यहाँ आई हूँ, जितने संत महात्मा लोग हैं उन लोगों से मिलने आई हूँ, चूँकि 22 तारीख को बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी और अलाउड भी नहीं है, तो मैं रहूँगी मुंबई, बट उससे पहले ही इस शहर को देखना चाहती हूँ, इंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ। ये बताइए कि भगवान श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा का ये जो मुहूर्त है, आपको कैसा एहसास हो रहा है अयोध्या करके? मैं आपका एहसास जानना चाहूंगा, और अच्छा लगेगा कि अगर ये आप बताते हुए भी अगर कुछ गाने लगेंगी तो वो और भावनात्मक हो जाएगा पूरा एहसास आपका। अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है कि मतलब फील कर सकती हूँ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती, बट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है, और पूरे शहर में जो चकाचौंध देखने को मिल रहा है, मैं तो चाहती हूँ सालों भर ऐसा ही रहे ये शहर, यू नो हमेशा जगमगाता रहे। जो कलाकार होते हैं जब वो आनंद का उनको अच्छा लगता है तो कुछ स्ट्राइक करता है उनको, कुछ याद आता है, वो शायद कुछ सुनाना चाहते हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी अवध में, राम आए हैं। खड़े हैं स्वागत में मोदी अवध में, राम आए हैं। स्वागत में मोदी जी अवध में, राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, हृदय से राम धुन गाओ। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम, हृदय से राम धुन गाओ। प्रभु श्री राम आए हैं। आपने अभी जो गाया है प्रभु श्री राम पर आपने गाया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ही नहीं प्रभु श्री राम पे आप, मतलब आप बहुत ही भाव से गा रही थीं, तो ये इकलौता गीत तो नहीं होगा जो आपने गाया होगा, आपके मना मतलब मना स्थल में कितना कुछ होगा, तो कम से कम प्रभु श्री राम के लिए हाँ आप इसमें देख के गाइए। तो अभी जो माहौल चल रहा है उस पे एक और गीत गाया है, फिर आप बोलेंगे कि पॉलिटिकली यू नो किसी को प्रेज करने के लिए गा रही है, फिर से मतलब जो सत्यता है वही गा रही हूँ। मैं दावा करता हूँ इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगा, आप गाइए निश्चिंत होकर, इसलिए मैंने पहले से बोलती बंद कर दी आपकी। पेन हिली ही मोदी जी
पियारिया हाथे सुनावा के थारी पेन्ही मोदी जी पियारिया हाथे सुनावा के थारी राम लालाईले अंगनवा रहुआ आरती उतारी राम लालाईले अंगनवा रहुआ आरती उतारी। मोदी जी बहुत पसंद है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी आप मैं ही बनने वाली हूँ, इसके लिए पसंद है मुझे। अगली मोदी आप बनने वाली हैं? हाँ मतलब मोदी जी की पार्टी में जा सकती हैं? क्यों, मोदी जी मैं कहीं से भी बन सकती हूँ, मैं किसी पार्टी को। लेकिन आपके आदर्श हैं पॉलिटिकली मोदी जी, ये तो आप मानेंगे ना? मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। पहली बार सुन रहा हूँ क्योंकि कह रहा है क्यूट लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं, आप ये कहना चाहेंगे? इनोसेंट इनोसेंट भी हैं बहुत, जब वो बोलते हैं कभी कभी एट टाइम्स बहुत क्यूट लगते हैं। इंटरव्यू खत्म करता हूँ, लेकिन खत्म करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि जो इनके शेट्स मैंने अध्याय करके देखे हैं, कभी राजनेता, कभी कुछ दार्शनिक और कभी साध्वी की भूमिका में दिख रही हैं। क्या होगा ये अयोध्या नगरी बताएगी, और जो राम जी चाहेंगे वो जो राम जी चाहेंगे अब वही होगा। कैमरामैन मोहित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज अयोध्या। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।